विधानसभा के पहले सत्र में जहां पर नव निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ शपथ दिलवाई। प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पढ़ी जाने वाली अधिसूचनाएं। प्रमुख सचिव विधानसभा महोदय, मालवे नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कालीचरण सराफ की सामयिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति, उनके समक्ष विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने, अस्थायी अध्यक्ष की सहायतार्थ की गई नियुक्तियों तथा अस्थायी अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2023 को अपराह्न 4:30 बजे राज्यपाल महोदय के सम्मुख सदस्य के रूप में शपथ लेने संबंधी सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अधिसूचना क्रमांक प 1 विधान प्रकट 1 संसद / 2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023, यतः अध्यक्ष का पद 16वें राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र का प्रारंभ होने से ठीक पूर्व 20 दिसंबर 2023 को रिक्त हो जाएगा और यतः उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान मालवे नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 से निर्वाचित 16वें राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्री कालीचरण सराफ को उक्त सत्र के प्रारंभ होने से सदन द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन किए जाने तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद् द्वारा नियुक्त करता हूँ। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। नंबर 2, अधिसूचना क्रमांक प 1 संसद / 2003 दिनांक 18 दिसंबर 2023, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान श्री कालीचरण सराफ, जो मालवे नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 54 से 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं, को एतद् द्वारा उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ जिनके समक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे अथवा उस पर हस्ताक्षर करेंगे। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। अधिसूचना क्रमांक 3 प 1 संसद / 2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023, दिनांक 18 दिसंबर 2023 के उस आदेश के अनुसरण में जिसके अनुसार श्री कालीचरण सराफ सामयिक अध्यक्ष को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया है जिनके समक्ष 16वीं राजस्थान विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे और उस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। मैं कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रयोजन के लिए श्री कालीचरण सराफ मालवे नगर निर्वाचन क्षेत्र 54 की सहायता करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को भी एतद् द्वारा नियुक्त करता हूँ। नंबर 1, डॉक्टर दयाराम परमार। नंबर 2, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। नंबर 3, श्री किरोड़ीलाल। कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान। 4, अधिसूचना क्रमांक F14(1) सदन 20/2023 दिनांक 18 दिसंबर 2023, मैं कालीचरण सराफ सदस्य विधानसभा में भारत के संविधान की तृतीय अनुसूची में दिए गए प्रपत्र 7(6) के अनुसार दिनांक 18 दिसंबर 2023 को अपराह्न 4:30 बजे राज्यपाल महोदय के समक्ष शपथ ग्रहण कर ली है। मैं इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखता हूँ। सभापति तालिका की घोषणा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय राज्यपाल ने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नियुक्त किया है। डॉक्टर दयाराम परमार। नंबर 2, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। नंबर 3, श्री किरोड़ीलाल। प्रमुख सचिव विधानसभा, माननीय सदस्यों द्वारा प्रतिज्ञान। स्पीकर सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हुक्म। नियम 302 के तहत में जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद,
जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस दे करके ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया तो आ जाइए आज शाम को भजन है। माननीय सदस्य संविधान बैठिए बैठिए विराजिए विराजिए बैठिए बैठिए। पहले माननीय सदस्यों की शपथ होती है और उसके बाद सदन आहूत होगा, उसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। बैठिए आसन पैरों पर बैठिए। ऐसा नहीं है, पहले पहले माननीय सदस्यों की शपथ होगी और उसके बाद जब सदन आहूत होगा उसमें राज्यपाल महोदय अभिभाषण करेंगे, सदन की यही परंपरा रही है। बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। प्रमुख सचिव विधानसभा श्री भजनलाल शर्मा। मैं भजनलाल शर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्रीमती दिया कुमारी। मैं दिया कुमारी जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। डॉक्टर दयाराम परमार। डॉक्टर दयाराम परमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री प्रताप सिंह सिंघवी। मैं प्रताप सिंह सिंघवी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता